माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल कुकिंग फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सबके साथ बहुत अच्छी फी रेसिपी नए तरीके की लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्द और झटपट तैयार होती है और बहुत ही चटपटी लगती है। चलो फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें एक कप बेसन डाल रहे हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं, थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं, गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब इसको बढ़िया से हम चल रहे हैं मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं, जब तक इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। इसको खूब बढ़िया से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे हमको। आप लोग चने की दाल से भी बना सकते हैं, चने की दाल भिगो कर उसको पीस लें, उससे भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे बढ़िया से, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है, ना बहुत ज़्यादा पतला ही बनाना है। ये देखो घोल बन के हमारा तैयार है। अब इसी में हम कुछ सब्जियाँ ऐड करते हैं। सब्जियों में हम लिए हैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं और हेल्दी बनाने के लिए जो आपको पसंद हो। अगर प्याज नहीं खाते हैं आप लोग तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। इसको सारी सब्जियों को इसी में हम मिक्स करते हैं। इसको बढ़िया से चलाते हैं। इसी में स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं और इसको बढ़िया से चला देते हैं। याद रखें ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और भी सब्जी मिले लेकिन बेसन इतना ही होना चाहिए। ये देखो इसको तो बढ़िया से मिक्स करके हम इसको साइड में रखते हैं और चल रहे हैं इसको और चटपटा बनाने के लिए, इसके लिए चटनी बनाते हैं। इसको साइड में रखें क्योंकि सब्जियाँ जो हैं वो पानी उकरेंगी तो और बढ़िया से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं और चल रहे हैं चटनी बनाते हैं इसके लिए टेस्टी। हम इसमें हरी धनिया डालने के लिए भूल गए थे, हरी धनिया भी ऐड कर देते हैं और हरी मिर्च डाल रहे हैं, दो काट के रखे थे। आप लोग लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत तीखा खाते हो तो। अब इसको बढ़िया से अब रख देते हैं साइड में और चल रहे हैं चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हम मिक्सर जान लिए हैं। अब इसमें हम धनिया का पत्ता ऐड करते हैं, हरा मिर्च ऐड करते हैं, लहसुन की कलियां ऐड करते हैं, इसी में अदरक ऐड करते हैं। अब इसी में हम दही ऐड करते हैं, थोड़ी सी, दो चम्मच। इसी में हम अमचूर पाउडर ऐड करते हैं। अगर आप लोग को खट्टा मीठा चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा शक्कर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो शक्कर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें शक्कर ऐड करते हैं, थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं और अब चल रहे हैं इसकी चटनी बनाते हैं। चल रहे हैं इसके लिए आटा तैयार करते हैं। हम आटा लिए हैं और आटे में 4 चम्मच मैदा ऐड करते हैं। अगर आप लोग मैदा नहीं खाते हैं तो आप लोग मैदा को स्किप कर सकते हैं, गेहूँ के आटे में बना सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप लोग घी भी डाल सकते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, जैसे अजवाइन डाल दिए और थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और चल रहे हैं इसको खूब बढ़िया से मिक्स करके, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा गीला ही डो तैयार करते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं। देखो आटा का डो हम बढ़िया से तैयार कर चुके हैं, ना बहुत ज़्यादा गीला है ना बहुत ज़्यादा टाइट ही है। अब इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए आटे को। ये देखो 10 मिनट हो गए। अब इसको हम ऐसे करके, ना बहुत ज़्यादा पतला है जैसे पतली पतली रोटी बनती है वैसे हम छोटे छोटे बॉल्स करके इसको रख लेते हैं। ये देखो इसको छोटे छोटे ऐसे ऐसे बॉल्स करके जैसे पतली पतली खूब पतली पतली चल रहे हैं रोटी बेलते हैं। इधर गैस पर रख देते हैं तवा। देखो तवा हमारा गर्म हो रहा है। अब इसी पर हम रोटी डालते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली ही है और गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं।
याद रखें बहुत ज़्यादा रोटी पकनी नहीं है, उनको थोड़ा सा गर्म हो जाए बस हम पलट देंगे। ये देखो रोटी को हम ऐसे पलट देते हैं और इस साइड थोड़ा सा तेल लगा के, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, तेल लगा के इसको, और गैस का फ्लेम मीडियम फ्लाइज पे ही रहना चाहिए। अभी तेल लगाते समय स्लो कर दें, उसके बाद इसको फिर पलट देते हैं। इस साइड भी हल्का सा तेल लगा के, ये जो हम बेसन का पेस्ट तैयार किए थे इसको इसी पे ऐसे रखते हैं, और एक चम्मच लेते हैं, चम्मच की सहायता से इसको चारों तरफ हम ऐसे फैला देते हैं, जैसे बढ़िया से इसको चारों तरफ हम फैला देते हैं। ये देखो हम चारों तरफ इसको बढ़िया फैला देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम फ्लाइट पे करके इसको पकने देते हैं हम। तब तक चल रहे हैं हम दूसरी रोटी बेलते हैं। जब इस साइड भी हम बेसन पे भी हल्का सा तेल लगा देते हैं ऐसे चारों तरफ, उसके बाद इसको हम पलट देते हैं रोटी को, ऐसे रोटी को हम पलट देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्के हाथ से दबाते हैं, जिससे जो सब्जी है हमारी थोड़ा पक जाए, थोड़ा ज़्यादा नहीं दबाना, हल्के हल्के हाथ से ऐसा दबाते हैं। ये देखो हम इसको पलटते हैं इस साइड, देखते हैं बेसन हमारा हो गया, और इसको किसी चीज़ से ऐसे से डिप डिप करके खूब बढ़िया से इसको दबा देते हैं, जो सब्जी हमारी है बढ़िया से पक जाए। वेजिटेबल डालने ना उसको बढ़िया से पकने तो चाहिए, उसको सेकते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके। ये देखो इस साइड भी हम पलट के देखते हैं, ये देखो हमारा बेसन, इसको देखते हैं हम ऐसे दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा दबेगी नहीं, ज़्यादा सब्जी हमारी पक गई है बढ़िया से, फिर आपको कच्ची लग रही है थोड़ा सा गैस तेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा तेज आंच में सेक लेते हैं बढ़िया से रोटी को। ये देखो हमारा ये वाला हो गया है, अब इसको रखते हैं साइड में और डालते हैं दूसरी रोटी, सेम वैसे इसको भी हम बनाते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, इसको भी सेम वैसे ही है जैसे उसको हम बना वैसे ही बनाएंगे, इसको भी पलट देते हैं। देखो जो पराठे को सेके हैं उसको रखते हैं इस पर, अब इसको चले और चटपटा सा बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली का इमली की चटनी डालते हैं इसको ऐसे, और किसी चम्मच के साथ इसको चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं, और उसके बाद जो हम चटनी बनाए थे चटपटी ही ये वाली, इसको भी इसी पे लगाते हैं, इसको भी बढ़िया चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं, और उसके बाद अब इसी पे हम थोड़ा सा टमाटो केचप डालते हैं। इसको इसी पे बढ़िया से ऐसे चारों तरफ कर देते हैं, अगर आपको टमाटो केचप ज़्यादा पसंद तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम पनीर कस के रखे थे, इसको इसी पे चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं पनीर को, और इसी पे हम थोड़ी सी प्याज के लच्छे डालते हैं, अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो आप लोग प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको बढ़िया से ऐसे हम ऐसे बढ़िया से इसको हम रोल बनाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया हेल्थी सा रोल बन के तैयार है, ऐसे हम दूसरा भी बनाते हैं। ये देखो चटपटा सा रोल बन के तैयार है, और आप लोग एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही हेल्थी भी है। और अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।